नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज आप जानेंगे दुनिया में 15 रहस्यमय द्वीपों के बारे में। दुनिया के अधिकांश द्वीपों का अच्छी तरह से पता लगाया गया है, उनके रहस्य बहुत पहले सीखे गए थे, लेकिन कुछ रहस्यमय बने हुए हैं। सदियों से नक्शों पर दिखाए गए द्वीप अचानक लुप्त होते नजर आ रहे हैं। दूर दराज के द्वीपों पर खतरनाक शीर्ष गुप्त सुविधाओं को छोड़ दिया जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है। द्वीपों में बीमार या पागल लोग रहते हैं, जो यात्रा करने के इच्छुक लोगों को अपनी परेशानी करने वाली और भूतिया यादें पेश करते हैं। कभी कभी द्वीप ऐसे तरीके से व्यवहार करते हैं जो उन्हें खोजता या उनके अध्ययन करते हैं। द्वीप दुनिया के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कटे हुए हैं, जो अद्वितीय और ऐसा लगता है कि वो केवल एक विदेशी दुनिया पर ही विकसित हो सकते हैं। अन्य द्वीप अपने निवासियों की उत्पत्ति या भाग्य के कारण रहस्यमय हैं। इन 10 अजीब और रहस्यमय द्वीपों में से सभी इन कारणों और अधिक के लिए वास्तव में अद्भुत हैं। बाउवेट आइसलैंड। ये द्वीप पृथ्वी पर सबसे अलग स्थान प्रतीत होता है। इसके चारों ओर 3,146,000 वर्ग मील, यानी कि जो यूरोप के क्षेत्रफल से थोड़ा कम है, कोई अन्य भूमि नहीं है। बावजूद इसके इस आइलैंड से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। इसे 1739 में खोला गया था और लगभग 60 वर्षों तक भुला दिया गया था। इस अवधि के बाद एक अभियान द्वीप पर आया और एक अजीब बात पाई। तटीय जल में एक परित्यक्त जहाज पड़ा था। जहाज पर कोई गंभीर खराबी और कोई नाम या अन्य पहचान चिन्ह नहीं पाए गए। बर्तन से 10 मीटर की दूरी पर पैडल पड़े थे। बेशक ये सोचा गया था कि जहाज बर्बाद हो गया था, लेकिन जहाज के पास कोई शव और कोई आश्रय नहीं मिला। इसके अलावा 1979 में द्वीप पर 2 परमाणु विस्फोट हुए, जिसकी किसी भी देश ने जिम्मेदारी नहीं ली। बैटलशिप आइसलैंड जापान। आधिकारिक तौर पर हाशिमा द्वीप के रूप में जाना जाता है। ये नागासाकी से 9 मील की दूरी पर स्थित है। आजकल द्वीप को छोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ ठोस इमारतें हैं और ये समुद्र की दीवार से घिरा हुआ है। पहले ये द्वीप अपनी समुद्री कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध था, जो जापान के औद्योगिकरण काल के दौरान काम कर रही थी। 1810 में यहाँ कोयले की खोज की गई थी और 1890 में इस द्वीप को मित्सुबिशी गोशी कैशा ने खरीदा था और मुख्य निर्माण शुरू हुआ था। अपार्टमेंट ब्लॉक के एक स्कूल के एक किंडरगार्टन, एक अस्पताल, एक टाउन हॉल, एक क्लब हाउस, एक सिनेमा, एक सांप्रदायिक स्नान, एक स्विमिंग पूल और कई अन्य सुविधा द्वीपवासियों के लिए बनाई गई थी। लेकिन 1930 के दशक में शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक चीनी कैदियों और कोरियाई भर्ती नागरिकों को बहुत कठोर परिस्थितियों में यहां काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इस अवधि के दौरान भूमिगत दुर्घटनाओं, थकावट और कुपोषण से कई लोग मारे गए। 1974 में जब पेट्रोलियम ने कोयले की जगह लेना शुरू कर दिया, तो खदानें बंद कर दी गईं और सभी निवासियों को द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक लंबी अवधि के लिए द्वीप किसी के लिए भी बंद था और इस नियम को तोड़ने के परिणाम स्वरूप जापान से निर्वासन हुआ। अब ये द्वीप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया भर के आगंतुकों के लिए खुला है। बैनरमैन आइसलैंड। हंडसन नदी में बैनरमैन द्वीप न्यूयॉर्क शहर से आधे घंटे की नाव की सवारी है। वहां पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। रहस्यमय द्वीप के आगंतुकों को आश्चर्य होने की संभावना है कि इस पर एक महल क्यों नहीं है। इमारत का निर्माण फ्रेक बैनरमैन 6 द्वारा किया गया था, जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के अंत में सरकारी नीलामी में खरीदे गए अधिशेष सैन्य उपकरणों को पुनर्विक्रय करके भाग्य बनाया था। उन्हें भारी मात्रा में काला पाउडर खरीदने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी, साथ में अन्य अधिशेष वस्तुओं के साथ। जब उनके बेटे डेविड ने पोलो पेल द्वीप का उल्लेख किया, बैनरमैन ने इसे खरीदा था। अगले वसंत में वहां एक बड़ा शास्त्रगाह बनाया गया और द्वीप के ऊपर एक छोटे से महल का निर्माण किया गया। शास्त्रागार के बगल में अपने घर के रूप में द्वीप का नाम बदलकर खुद के नाम पर उन्हें रखा गया। जब बैनरमैन की मृत्यु हुई तो निर्माण बंद हो गया। 1950 में एक तूफान में नौका नष्ट हो गई थी और द्वीप को छोड़ दिया गया। 8 अगस्त 1969 को एक
आग ने शास्त्राग्रह को नष्ट कर दिया और न्यूयॉर्क राज्य, जिसने 1967 में बन्नरमन द्वीप और उसकी इमारतों को खरीदा था, ने द्वीप को बंद सीमा घोषित कर दिया। ये 2017 में फिर से खुल गया और टूर गाइड अब उत्सुक आगंतुकों को द्वीप के रहस्यमय इतिहास के बारे में बताते हैं। अर्थक्वेक आइसलैंड। सितंबर 2013 में पाकिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप ने 39 लोगों की जान ले ली और घरों को गिरा दिया और एक द्वीप भी बना दिया। पाकिस्तान के मुख्य मौसम विज्ञानी मोहम्मद रियाज के अनुसार इसकी तीव्रता 7.7 थी, जबकि कोलोराडो में अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दावा किया था कि ये 7.8 तीव्रता का था। ये द्वीप भूकंप से पहले मौजूद नहीं था, लेकिन घटना के बाद पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक आरिफ मोहम्मद ने कहा कि स्थानीय लोगों ने गवादर बंदरगाह के पास 100 मीटर यानी कि 330 फीट लंबाई और 9 मीटर यानी कि 30 फीट ऊंचे छोटे से द्वीप के निर्माण की सूचना दी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि भूकंप ने समुद्र के नीचे की जमीन को चकनाचूर कर दिया, जिससे द्वीप बन गया, लेकिन कारण निर्धारित करने के लिए आगे की जाँच की जाएगी। पॉविग्लिया आइसलैंड। वापस जब बुबोनिक प्लेग दुनिया की लगभग आधी आबादी रोमियों के पास स्वस्थ लोगों को बीमारों से अलग रखने का एक चतुर विचार था, त्रस्त लोगों को पोवेल्गिया द्वीप भेज दिया गया, जो एक छोटा एकांत भूभाग है जो वेनिस और लीडो के बीच तैरता है। वहां लोग अपने अंतिम जीवन को एक साथ तब तक जीते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाते। चूंकि द्वीप पहले से ही मौत की चपेट में था, अगली बार जब एक महामारी आई तो बहुमुश्किल जीवित शवों को वहां फेंक दिया गया और सामूहिक कब्रों में जला दिया गया। 1920 के दशक में द्वीप के नवीनतम मेहमानों या फिर किसी भी व्यक्ति के स्वागत के लिए एक मानसिक अस्पताल बनाया गया। किसी भी प्रकार के बीमारी के लक्षण, शारीरिक या मानसिक, मूल रूप से यदि आपको खुजली होती है तो आप पोवेगिलिया चले गए, जहां आप अपने पैरों की मिट्टी आदि गंदगी आदि मानव राख में डुबो देंगे और 100 से अधिक मृतकों की संगति में होंगे। एक बिंदु पर एक बेईमान डॉक्टर ने मानसिक अस्पताल चलाया और चूंकि मानसिक स्वास्थ्य बहुत अनियमित था, इसलिए उसने द्वीप के निवासियों पर सभी प्रकार के क्रूर प्रयोग किए, जैसा कि उनके दिमाग में छेनी को ये देखने के लिए किया कि क्या स्थानांतरित हुआ। डॉक्टर ने घंटी टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली। द्वीप के अजीब और भीषण अतीत में एक और आत्मा जुड़ गई। फ्लोटिंग आइलैंड। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्नस प्रांत में कैम्पाना और जोराटे शहर के बीच पराना डेल्टा में स्थित एक द्वीप 120 मीटर यानी के 390 फीट के व्यास के साथ लगभग पूर्ण चक्र के आकार का है। ये एक चैनल से घिरा हुआ है जो लगभग पूर्ण चक्र भी बनाता है। इसके अंदर गोल भूभाग की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। चैनल एक अर्ध चंद्र जैसा दिखता है, साथ में द्वीप और चैनल एक आंख से मिलते जुलते हैं। एक ऐसा रूप जिसने द्वीप के उपनाम का सुझाव दिया। आग तैरती है, फिल्म निर्देशक सर्जियो न्यूस्प्लियर ने कहा कि ये अपनी धुरी पर भी घूमता है। फिल्म निर्माता ने 2016 में आई की खोज की, जब वो एक साइंस फिक्शन फिल्म के लिए स्थानों की खोज कर रहे थे। रहस्यमय द्वीप न्यूस्प्लियर और उनके चालक दल की आश्चर्यजनक खोज करने के बाद न्यूयॉर्क के एक हाइड्रोलिक और सिविल इंजीनियर रिचर्ड पेट्रोनी सहित जो इसमें शामिल हो गए थे, प्रोजेक्ट ने उस साइंस फिक्शन फिल्म को फिल्माने के बजाय आई के बारे में एक क्राउड फंडेड डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, जिसे न्यूस्प्लियर ने मूल रूप से बनाने का इरादा किया था। सोकोट्रा आइलैंड। यमन के तट पर स्थित सोकोट्रा द्वीप पूरी दुनिया का एक विदेशी ग्रह की तरह दिखता है। दूरस्थ स्थान के अलगाव, तापमान, चरम सीमा और शुष्क परिस्थितियों के कारण इसकी लुप्त प्राय वनस्पति अद्वितीय है। इसके पौधे के जीवन का एक तिहाई हिस्सा पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया जा सकता। सौभाग्य से कई प्रतिशत द्वीप को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अलग रखा गया है। कुछ पौधे उल्टा लगाए गए हैं, जलसज्म की तरह दिखते हैं। दूसरे की शाखाएं, जिसके लाल रंग के रस में इसे ड्रैगन का ब्लड ट्री नाम दिया गया है, पंक्तियों से रहित हैं। उनकी युक्तियों को छोड़कर ऐसा लगता है जैसे शाखाएं पेड़ की जड़े हैं और पेड़ उल्टा बढ़ रहा है। अजीब पेड़ का उपयोग इसके औषधियों महत्व के लिए, कपड़े की डाई बनाने, धूप बनाने और लकड़ी को दागने के लिए किया जाता है। द्वीप के बोतल के पेड़ शुष्क जलवायु में पानी को स्टोर करने के लिए अनुकूलित एक मोटी ट्रंक है और इसके कुछ अंग
ट्रंक के पास मोटे हरी पत्तियों के मोटे गुच्छों में समाप्त होने वाली बहुत पतली शाखाओं के समूहों को जन्म देते हैं। फिरोजा पानी से घिरा हुआ है। द्वीप में विशाल चूना पत्थर की गुफाएं, चमगादड़ों के घर, सोकोट्रा के एकमात्र तनपाई मूल निवासी, विभिन्न भाषाओं में संदेश गुफाओं की दीवारों में उकेरे गए हैं। शोधकर्ताओं ने उन्हें नाविकों के लिए श्रेय दिया है जो 1 से 6 ईस्वी के बीच द्वीप पर रहे। रहस्यमय द्वीप के निवासी भी अद्वितीय हैं। उन सभी के पास एक डीएनए हैप्लो ग्रुप है जो पृथ्वी पर किसी अन्य लोगों के पास नहीं है, और कुछ का तर्क ये है कि इडन गार्डन मूल रूप से था। सोकोट्रा पर स्थित 2008 में यूनेस्को ने सोकोट्रा को विश्व विरासत स्थल का नाम दिया। डीगो गार्शिया आइलैंड। हिंदी महासागर में अस्पष्ट यू आकार 44 वर्ग किलोमीटर 17 मील 2 एटॉल जिसे डियागो ग्रासरिया के नाम से भी जाना जाता है में घने उष्णकटिबंधीय जंगल हैं और सफेद रेत समुद्र तट है। ये 2000 देशी छागोसियों का घर था जब तक कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1968 और 1973 के बीच जबरन स्थानांतरित नहीं किया ताकि अमेरिका द्वीप को पट्टे पर देने के लिए ब्रिटेन के समझौते के बदले वहां एक नौसैनिक अड्डा बना सके जो रणनीतिक महत्व का है क्योंकि ये पूर्वी अफ्रीका के बीच स्थित है। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया अमेरिका को एशिया और मध्य पूर्व दोनों में स्थानों पर हमला करने की अनुमति देता है। डियागो गरासिया का उपयोग 1991 के खाड़ी युद्ध, 2001 के अफगानिस्तान युद्ध और 2003 के इराक युद्ध के दौरान हवाई समर्थन कार्यों को करने के लिए किया गया था। दूरस्थ प्रतिबंधित द्वीप कुछ लोगों का तर्क है एक गुप्त अमेरिकी जेल शिविर का स्थल भी है, हालांकि अमेरिकी अधिकारी इस तरह की अटकलों की सच्चाई से इनकार करते हैं।